हे मेरे पितर देवताओं, सभी का कल्याण करना। पितर देवताओं की कृपा आप सभी के परिवारों में बनी रहे, क्योंकि पितर देवताओं की कृपा से ही हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है, हमें दूध पूत अन्न धन की प्राप्ति होती है। पितरों की कृपा से विष्णु भगवान अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें और सदा परिवारों में सुख शांति रखें। सभी भक्तों को जय माता के, हर हर महादेव। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आज के एपिसोड को देखने के साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा, चाहे तो एक पेन और नोटबुक अपने पास रख ले, क्योंकि आज के एपिसोड में डेट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आने वाले श्राद्ध के दिनों के बारे में। आप आज का ये वीडियो देख लो, चैलेंज करते हैं कि कोई भी डेट आगे पीछे नहीं होगी, जो जो डेट आपको बताऊंगा बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्ट होगी, चाहे 10 जगह पर और चेक करके देख लेना। पंडित नीति शास्त्री की तरफ से आपको सबसे शुद्ध जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है, और हमारी तो मेहनत ही होती है कि आपके लिए हम अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर के आते रहें। जैसा कि आप सभी को पता है, अब श्राद्ध का टाइम आने वाला है, और आप सभी के मन में जिज्ञासा होती है कि पंडित जी श्राद्ध के बारे में बताएं, कौन सी तिथि का श्राद्ध किस दिन होगा, हमें सारी जानकारी चाहिए। तो प्रस्तुत है आप सभी के सामने सबसे बेहतरीन, सबसे सटीक, सबसे शुद्ध जानकारी श्राद्धों की। साथियों, एपिसोड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एपिसोड को देखने के साथ साथ आप इसे शेयर भी जरूर कर दें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। सारी डेट मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा, स्क्रीन पर शेयर करूंगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से आपने पूरा एपिसोड देखना है, ताकि श्राद्ध की जानकारी में आपसे कोई गड़बड़ ना हो। श्राद्ध के दिन हमारे पितरों के लिए होते हैं, हमारे पितरों को मनाने के लिए श्राद्धों में उनके लिए पूजा पाठ किया जाता है, तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, चलिए अब विष्णु भगवान को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, अब मैं स्क्रीन पर सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, आपने अच्छी तरह से इस डेट को नोट करना है कि कौन सा श्राद्ध किस दिन हो रहा है। जल्दबाजी गलती नहीं करनी है, वरना आप जल्दी के चक्कर में कोई ना कोई डेट जरूर मिस कर जाओगे। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर श्राद्ध की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो श्राद्ध आता है उसे प्रोष्ठपदी का श्राद्ध या पूर्णिमा का श्राद्ध कहा जाता है। तो पूर्णिमा के श्राद्ध की अगर हम बात करें, तो साल 2022 में 10 सितंबर और शनिवार का दिन स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूं, देखिए 10 सितंबर शनिवार को प्रोष्ठपदी पूर्णिमा का श्राद्ध है, और इस दिन ही प्रतिपदा का श्राद्ध, यानी कि जिनका श्राद्ध पूर्णिमा का है, जिनका श्राद्ध पहली तिथि का होता है प्रतिपदा का, उनका श्राद्ध भी 10 सितंबर शनिवार के ही दिन किया जाएगा। और इसी दिन से 2022 के जो कनागत है उनकी भी शुरुआत हो रही है। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो द्वितीया का श्राद्ध है, 11 सितंबर रविवार को द्वितीया का श्राद्ध किया जाएगा। जिनका श्राद्ध दूज का होता है द्वितीया का, उनका श्राद्ध 11 सितंबर रविवार के दिन किया जाएगा। बात करते हैं जो तृतीया का श्राद्ध है, तृतीया का श्राद्ध होगा 12 सितंबर और दिन होगा सोमवार। 12 सितंबर 2022
सोमवार को तृतीया का श्राद्ध होगा जिनका तीज का श्राद्ध होता है। अच्छी तरह से जानकारी नोट कर ले, स्क्रीन पर सारी जानकारी मैं शेयर कर रहा हूं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं चतुर्थी के श्राद्ध की। तो जो चतुर्थी का श्राद्ध होगा 13 सितंबर और मंगलवार का दिन रहेगा। पंचमी का जो श्राद्ध होगा वो होगा 14 सितंबर बुधवार को पंचमी का श्राद्ध। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जो षष्ठ का श्राद्ध होगा, षष्ठी का 15 सितंबर गुरुवार को षष्ठी का श्राद्ध किया जाएगा। अगला जो है श्राद्ध वो होगा 16 सितंबर को सप्तमी का श्राद्ध। साथियों स्क्रीन पर मैं जानकारी शेयर कर रहा हूं, 16 को होगा सप्तमी का श्राद्ध, 17 को कोई श्राद्ध नहीं है, 17 के दिन रिक्ता तिथि है और जो अष्टमी का श्राद्ध होगा वो होगा 18 सितंबर को रविवार के दिन, 18 सितंबर रविवार को अष्टमी का श्राद्ध होगा। अब बात करते हैं नवमी के श्राद्ध की। तो 19 को नवमी का श्राद्ध होगा सोमवार के दिन। जो दशमी का श्राद्ध होगा वो होगा 20 सितंबर मंगलवार को। एकादशी का जो श्राद्ध होगा 21 सितंबर बुधवार को। जो द्वादशी का श्राद्ध होगा 22 सितंबर गुरुवार को। 23 को होगा जो त्रयोदशी का श्राद्ध शुक्रवार को। 24 सितंबर शनिवार को होगा चतुर्दशी का श्राद्ध और 25 सितंबर को अमावस्या यानी कि अमावस्या तिथि वालों का श्राद्ध, या जो अज्ञात तिथि में जिनकी तिथि आपको ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध भी 25 सितंबर को होगा। सर्व पितरो अमावस्या 25 सितंबर रविवार को। और इसी के साथ जो साल 2022 के श्राद्ध हैं उनका समापन भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं जानकारी पसंद आए, शेयर लाइक जरूर करें। जय माता की।